हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम आज यानी 20 मई 2020 के करंट अफेयर को देखने जा रहे हैं, जो बेस्ट होगा डिफरेंट न्यूज़पेपर जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस द्वारा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पे है द हिंदू से कि 3 लाख इवैक्यूएटेड एज अम्फान हर्टल्स टुवार्ड बंगाल कोस्ट। तो जैसे जैसे अम्फान जो है बंगाल कोस्ट की तरफ बढ़ रहा है, लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, वहाँ से सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जा रहा है। तो लगभग 3 लाख लोगों को ऐसे पहुँचाया गया है। तो हम लोग अम्फान के बारे में पढ़ लेते हैं। अम्फान एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो बे बंगाल में है, और इसका नाम जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया। इसका नाम जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया। नेमिंग का एक प्रॉपर पैटर्न है जो हम लोग दो वीडियो में डिस्कस किए हैं, पीछे का दो वीडियो यानी कल और परसों का वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं नेमिंग कैसे किया जाता है। तो अम्फान का नाम जो है थाईलैंड के द्वारा दिया गया, इतना याद रखिएगा। और ये बे बंगाल कोस्ट पर आया, मतलब बे बंगाल में आया है और बंगाल और उड़ीसा को हिट कर रहा है, ठीक है। एक तरह का ट्रॉपिकल साइक्लोन है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे कि आंध्र प्रदेश गैस लीक उससे रिलेटेड है। एससी डिक्लाइन इंटरफेयर विद द एनजीटी ऑर्डर। तो हम लोग यहाँ एनजीटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एनजीटी क्या है, कैसे बनाया गया, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो एनजीटी का फॉर्मेशन हुआ था, एनजीटी एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसका फॉर्मेशन हुआ था एनजीटी एक्ट 2010 के तहत। एनजीटी एक्ट 2010 के तहत जिसका फॉर्मेशन हुआ था, स्टेचुटरी बॉडी आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें मेंशन किया गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। आर्टिकल 21 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें मेंशन किया गया है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। उसमें उसी के अंदर, मतलब आर्टिकल 21 के अंदर में एक है राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू अ हेल्दी इन्वायरमेंट, उसके तहत एनजीटी को सेटअप किया गया, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत एनजीटी को सेटअप किया गया। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में, लेकिन इसका ब्रांच ऑफिस कहाँ कहाँ है, तो पुणे, भोपाल, कोलकाता और चेन्नई, ठीक है। पुणे, भोपाल, कोलकाता, चेन्नई, ये चार जगह इसका ब्रांच ऑफिस है। इसके जो हेड होते हैं रिटायर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, है ना, रिटायर जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वही इसके चीफ बनते हैं। और ये जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं, जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं सब से डील करता है, लेकिन दो लॉ को छोड़ करके, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये दोनों छोड़ करके, 72 और 27 वाला दोनों एक्ट छोड़ करके, ये सारे इन्वायरमेंटल लॉ से डील करता है। जितने भी इन्वायरमेंटल लॉ हैं इंडिया में सबसे डील करता है, बस ये दो लॉ को छोड़ करके। इसको एक केस को 6 महीने में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये था एनजीटी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे कि डिप्यूट रिप्लेसमेंट ऑफ सीआरपीएफ एट निजामुद्दीन। तभी निजामुद्दीन में कुछ सीआरपीएफ को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिस कारण से, तो हम लोग यहाँ पे सीआरपीएफ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सीआरपीएफ जो है सबसे बड़ा सीएपीएफ है, लार्जेस्ट सीएपीएफ है। सीएपीएफ क्या होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ सबसे बड़ा सीएपीएफ है और एमएचए के अंदर आता है, एमएचए यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को, इसका स्थापना हुआ था 27 जुलाई 1939 को, लेकिन उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, उस समय इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ठीक है। लेकिन इसका नाम बदल के किया गया 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम रखा गया सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ का स्थापना तो हुआ था 27 जुलाई 1939 को, लेकिन उस समय इसका नाम कुछ और था, 28 दिसंबर 1949 को इसका नाम सीआरपीएफ रखा गया। सबसे बड़ा सीएपीएफ है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता, ये था सीआरपीएफ के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे न्यूज़ है कि ग्रासोपर अटैक क्रॉप्स ऑन वायनाड। तो वायनाड जो है केरला में पाया जाता है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कहाँ पे अभी ग्रासोपर का अटैक हुआ है, तो वायनाड में हुआ है, ठीक है। जिस तरह से लोकस अटैक होता है उसी तरीके से ग्रासोपर का अटैक हुआ, जिसके कारण से कई फसलों को नुकसान पहुँचाया गया। नेक्स्ट न्यूज़ सीबीआई के बारे में, सीबीआई अलर्ट अथॉरिटीज़ टू मालवेयर थ्रेट। तो हम लोग सीबीआई के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। सीबीआई ना तो स्टेचुटरी बॉडी है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, याद रखिएगा। इसका स्थापना हुआ था 1941 में, इसका स्थापना हुआ था 1941 में, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है ना, उसके आगे एक्ट नहीं लगा, यह ध्यान रखिएगा। स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत इसका स्थापना हुआ था 1941 में, और इसका मेन काम था वर्ल्ड वार सेकंड में जो भी सप्लाई हो रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड में जो डिफेंस सेक्टर में सप्लाई हो रहा था, चाहे वो बंदूक हो या गोली हो या राशन हो या कपड़ा हो, है ना, मतलब कि सैनिकों को जो सप्लाई हो रहा था उसमें काफ़ी ज़्यादा करप्शन पाया गया था इंडिया में वर्ल्ड वार टू के ड्यूरिंग। तो उसी समय 1941 में उसी करप्शन के जांच के लिए इसका स्थापना किया गया था सीबीआई का, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तहत। उस समय इसका हेडक्वार्टर लाहौर में था जिस समय स्थापना किया गया था, लेकिन 1946 में इसको दूसरे एक्ट के तहत लाया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, उसके तहत 1946 में सीबीआई को बनाया गया, ठीक है। और ऐसा सोचा गया कि जब 1945 में जब वार एंड हो गया, 1945 में जब लड़ाई खत्म हो गया वर्ल्ड वार सेकंड, तब सोचा कि ऐसे इसको परमानेंटली रहने देते हैं, ठीक है। तो अभी इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, 1946 के तहत, 1946 में दिल्ली स्पेशल पुलिसमेंट एक्ट से इसको पावर मिलता है, ठीक है। तो ये था सीबीआई के बारे में। और याद रखिए कि इंटरपोल जो है, इंटरपोल एक संस्था है जिसको हम लोग इंटरनेशनल पुलिस के नाम से जानते हैं, ये सीबीआई से डील करता है। मतलब इंटरनेशनल पुलिस को इंडिया में कोई भी काम करना होगा, है ना, इंटरपोल को मान लीजिए कि कोई मुजरिम पकड़ना जो इंडिया में छिप गया है आकर के, ठीक है, तो इंटरपोल सीबीआई से बोलेगा कि हम आपके कंट्री में आने वाले हैं। मतलब कोई तो संस्था होना चाहिए ना जिससे इंटरपोल डील करे, तो सीबीआई से डील करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि हॉटर ओशन स्पॉन ओवर सुपर साइक्लोन। तो यहाँ पे जितने साइक्लोन आ रहे उसके रीजन के बारे में बताया गया है कि वे ऑफ बंगाल जो दिन पे दिन गर्म होते जा रही है इसलिए ज़्यादा साइक्लोन इसमें आता है। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि ज़्यादा साइक्लोन वे ऑफ बंगाल में क्यों आता है। तो वे ऑफ बंगाल या अरेबियन सी में जो आता है उसको हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन आने के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना जरूरी है, तो जो वे बंगाल में नॉर्मली रहता है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि हॉटर ओशियन जो है सुपर साइक्लोन का मेन रीजन है। ठीक है, सुपर साइक्लोन जो इतने बंगाल में, बंगाल में हर साल 4-5 साइक्लोन आ जाते हैं, इसका रीज़न क्या है? तो ये साइक्लोन मतलब कि ये रीजन काफ़ी ज़्यादा गर्म है, 25 से 27 डिग्री सेल्सियस इसमें हमेशा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इसका और दूसरा रीज़न क्या है कि जैसे अरेबियन सी के पास वेस्टर्न घाट है ना, तो वेस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न घाट के मुकाबले ऊँचा है। वेस्टर्न घाट हाइट ज़्यादा है ईस्टर्न घाट के मुकाबले। ठीक है, तो ईस्टर्न घाट का हाइट कम है, वेस्टर्न घाट का हाइट ज़्यादा है। तो अरेबियन सी से जब कोई सुपर साइक्लोन चलता है तो वेस्टर्न घाट का हाइट ज़्यादा होने के कारण लैंड के तरफ नहीं आ पाता है, जिसके कारण से उतना हानि नहीं होता। लेकिन ईस्टर्न साइड में ये जो है इतना हाइट उतना ज़्यादा नहीं है, जिस कारण से साइक्लोन ज़्यादा तबाही मचाता है। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट है गुड ईयर फॉर ओलिव लिली टर्टल। तो ओलिव लिली टर्टल के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। ओलिव लिली टर्टल सेकेंड स्मॉलेस्ट टर्टल है। ठीक है, मतलब सेकेंड स्मॉलेस्ट टर्टल है और मैराइन टर्टल है। ये मैराइन टर्टल है, सेकंड स्मॉलेस्ट टर्टल है और सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टर्टल है, यानी इसको बोल सकते हैं मोस्ट अबेंडेंट टर्टल। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला टर्टल है, मोस्ट अबेंडेंट टर्टल है और इसमें वार्म और ट्रॉपिकल वाटर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? वार्म एंड ट्रॉपिकल वाटर में। इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। जहाँ पर इसका मास नेस्टिंग होता है, ओलिव लिली टर्टल अपने एग्स का जहाँ पर मास नेस्टिंग करते हैं उसको अरिबाड़ा बोलते हैं। तो यानी अरिबाड़ा क्या है? जहाँ पे ओलिव लिली टर्टल के द्वारा मास नेस्टिंग किया जाता है। इंडिया में एक मास नेस्टिंग साइट है, मतलब अरिबाड़ा है। कहाँ है? तो रुसिकुलिया रुकरी बीच पे। ठीक है, जो उड़ीसा कोस्ट पे है, रुसिकुलिया रुकरी बीच पे जो उड़ीसा कोस्ट पे। तो इतना याद रखिएगा ओलिव लिली टर्टल के बारे में। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पे कि चार धाम साइन ओपन बट नो यात्रा। तो चार धाम के बारे में लोग पढ़ लेते हैं। न्यूज़ ये है कि चार धाम ओपन हो चुका है लेकिन कोई यात्रा नहीं कर रहा क्योंकि गवर्नमेंट का परमिशन ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में चार धाम दो तरह के होते हैं, एक है बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम। ठीक है, बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, ये चार धाम हैं। कौन कौन है? बद्रीनाथ नॉर्थ में, द्वारिका वेस्ट में, रामेश्वरम साउथ में और पुरी ईस्ट में, ये चार धाम है। ठीक है, लेकिन एक छोटा चार धाम है उत्तराखंड के अंदर में, जो एक चार धाम है जिसको हम लोग छोटा चार धाम के नाम से जानते हैं, उसमें कौन कहना था? बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ठीक है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये छोटा चार धाम है, यानी कि बद्रीनाथ दोनों वाले चार धाम है। बद्रीनाथ विष्णु भगवान के लिए डेडिकेटेड है, केदारनाथ शिव भगवान के लिए। तो चार धाम में कौन कौन आता है? बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी और रामेश्वरम, और छोटा वाले में आता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, यानी कि बद्रीनाथ दोनों में। ठीक है, तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे है कि वैक्सीन का खोज के बारे में बताया गया कि कितने दिन में वैक्सीन अवेलेबल होगा। तो जैसे एक मॉडर्ना कंपनी है यूएसए का कंपनी जिसका नाम है मॉडर्ना, मॉडर्न में ए लगा दिया गया लास्ट में, मॉडर्ना। ठीक है, उसके द्वारा एक वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल चालू भी हुआ है। कोई भी वैक्सीन का 4 स्टेज पर ट्रायल होता है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 और ह्यूमन ट्रायल। ठीक है, तो फेज 3 ट्रायल चालू होने वाला है इसका। तो उस वैक्सीन का नाम mRNA-1273 है। ठीक है, तो मतलब अभी जितने वैक्सीन बनाए जा रहे हैं कोरोना वायरस का, उसमें सबसे आगे अभी है mRNA-1273। ठीक है, ऐसे तो कई लेबोरेटरीज के द्वारा ऐसा दावा किया जा रहा है, तो वही यहाँ बताया गया कि फेज 2 इसका सक्सेसफुल रहा, फेज 3 स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 3 फेज में और एक ह्यूमन ट्रायल, 4 फेज पे किसी वैक्सीन को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइनल रिजल्ट ट्रायल का क्या, आर दिस फाइनल रिजल्ट ऑफ द ट्रायल बिफोर द वैक्सीन इज अवेलेबल। तो बोला जाए कि नहीं, अभी बहुत दूर है, मतलब कि हम लोग फाइनल वैक्सीन से काफ़ी दूर हैं। ठीक है, क्योंकि मात्र अभी 8 पेशेंट पे इसको ट्राई किया गया है। ठीक है, और वैक्सीन अभी कितने दूर है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वैक्सीन से अभी हम लोग लगभग 12-18 महीने दूर हैं, मतलब कि कम से कम तो 12 महीने, मतलब सब कुछ सही रहा। बहुत सारे वैक्सीन क्या होता है कि फेज 1 पास कर गया, फेज 2 पास कर गया, फेज 3 पास कर गया, ह्यूमन ट्रायल पर जाकर फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो अभी फेज 3 में ही है, इसके बाद ह्यूमन ट्रायल होगा। कहीं ह्यूमन ट्रायल के लिए कोई आदमी आएगा तब आगे भी इसके अवेलेबल, मतलब कि कोई गवर्नमेंट अपने अलाउ करेगा अपने सिटीजन पे, मतलब कि इसको प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करते कि हमारे यहाँ के आप ह्यूमन ट्रायल कीजिए, क्योंकि काफ़ी रिस्की होता है, दवाई सक्सेसफुल होगा या नहीं इसमें बहुत लोगों की जान भी जा सकती है, जिस कारण से बहुत सारे गवर्नमेंट अलाउ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन ट्रायल काफ़ी चीज़ पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर ह्यूमन ट्रायल होगा। तो लगभग अभी वैक्सीन से हम लोग मिला जुला के 12 महीने दूर हैं, ऐसा मॉडर्ना का कहना है जो कि सबसे आगे चल रहा है इस रेस में। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन प्लेयर है अभी मार्केट में जो वैक्सीन बना रही है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो वैक्सीन के खोज में है, उसके अलावा एक इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन है, एक USA का ही, एक दूसरा है इनोवियो कंपनी USA का ही है। तो ये सब जो है वैक्सीन बनाने की खोज में चल रही है, लेकिन जो mRNA-1273 था वो सबसे ज़्यादा है, सबसे आगे है। नेक्स्ट, सिंगापुर टू एग्जिस्ट सर्किट ब्रेकर फ्रॉम June 1st। तो सर्किट ब्रेकर क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे सर्किट ब्रेकर फिजिक्स में यदि देखा जाए तो फिजिक्स में क्या होता है कि MCB या फिर जो
फ्यूज होता है उसको हम लोग सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। एमसीबी या फिर जो फ्यूज होता है उसको हम लोग सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है सर्किट ब्रेकर का, कि जैसे ही ज़्यादा वोल्टेज आता है फ्यूज टूट जाता है, जिसके कारण से आगे का सारा अप्लायंस बच जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का यूज जो इकोनॉमी में कहाँ किया जाता है, शेयर मार्केट में यूज़ किया जाता है। जब शेयर का प्राइस अचानक से अप हो जाए या अचानक से डाउन हो जाए, 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर यदि बहुत ज़्यादा हाई हो जाए शेयर या बहुत ज़्यादा लो हो जाए, उस केस में सर्किट ब्रेकर यूज किया जाता है। सर्किट ब्रेकर का मतलब कि शेयर मार्केट को बंद कर दिया जाता है थोड़े देर के लिए, थोड़े देर के लिए या फिर पूरे दिन भर के लिए, ठीक है। तो मतलब एक फिक्स्ड पीरियड के लिए, कहने का मतलब यह है कि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए